हेलो एवरीवन, सो इट्स टाइम टू डिस्कस आवर नेक्स्ट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन वो है कि यार डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, ठीक है। सो कहने को तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट रिस्ट्रिक्टिंग इट टू द एग्जाम्स ओनली। सो इस पे दो तीन चीज़ें बोलूँगा। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, इस टाइम पे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है यूट्यूब। तो जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह, बहुत कुछ, बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। दे डूइंग वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट दैट, आई सपोर्ट देम, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि दे आर मेकिंग देयर करियर एंड दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स थ्रू दैट चैनल, ठीक है। बट वट यू आर डूइंग, यू आर नॉट मेकिंग योर करियर, यू आर नॉट मेकिंग योर लाइफ थ्रू दैट चैनल, बट यू आर हेल्पिंग देम मेकिंग देयर लाइफ। तुम वो वाला टाइम अपना, तुमने अगर 15 मिनट्स उस वीडियो में लगाया है एंटरटेनमेंट के लिए, उस एंटरटेनमेंट के थ्रू तुम उसके लाइफ बना रहे हो, उसके चैनल को ग्रो करवा रहे हो, और उसके लाइफ बना रहे हो बिकॉज ही वो कर रहा है, ही इज डूइंग दैट फॉर इज लिविंग। वो उसका डेली रूटीन है, वो उसकी इनकम का मेन सोर्स है, और तुम उस चीज़ को अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम में यूज़ करने के लिए नहीं कर रहे हो। उस टाइम को तुम अपना करियर नहीं बना रहे हो, उसका करियर बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हो। आई थिंक दैट वॉज दैट इज वेरी सफिशियंट टू लेट यू नो एज टू हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट ऑन यूट्यूब एंड टू वट विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू आर अडेयरिंग टू। इफ यू आर गिविंग दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन एजुकेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, देन यू आर डूइंग देन यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। तब तुम खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट तुम किसी और के लाइफ में, किसी और के करियर में इन्वेस्ट कर रहे हो पूरा टाइम लगा के, देन यू आर एट फॉल्ट। और फॉल्ट तब जब तुम ज़्यादा कर रहे हो, जब तुम अपने एक लिमिटेड टाइम टाइम फ्रेम में कर रहे हो, अपने एक रिजुवेनेट होने के लिए, एक अपना थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा वो करने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ ओके। पर तुम उससे ज़्यादा कर रहे हो तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि तुम वो कर रहे हो तो दूसरे का करियर बना रहे हो, अपना नहीं कर रहे हो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन क्या होती है यार, तुम अपना थोड़ा सा एक पीस ऑफ पेपर ले लो और डेली का अपना लिखो कि मेरे को ये वाले सारे चीज़ें आज कंप्लीट करनी है, विदाउट कंप्लीटिंग दीज आई विल नॉट स्लीप। तुमको ये पता चल गया कि मेरे को कितना टाइम लगाना है यूट्यूब पे और क्या कंटेंट देखना है। तुमने उतना टाइम लगा लिया, तुम वापस आ गए, तुम उसके अलावा कुछ चूज़ नहीं कर रहे हो। फ़ोन मैंने बता दिया, फ़ोन तुमने बंद रखना है। यूट्यूब तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारा फ़ोन तुमने बंद रख दिया। तुम लिमिटेड लोगों से, एक दो लोगों से दिन में बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद तुमको ये पता चल रहा है कि मेरे को दिन में क्या क्या दिन में क्या क्या अपने चैप्टर्स, अपने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं दिन में, तुमने दिन में मार्क करके रख लिए। अच्छा कितने घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे चाहे 14 घंटे लगे, वट अदर टाइम में बी आई विल बी कम्प्लीटिंग दोज टू डू लिस्ट इन दैट डे ओनली, एंड विदाउट डूइंग दैट आई विल नॉट स्लीप। तुमको डिस्ट्रैक्शन भी मिल रही है, तुमको मोटिवेशन भी मिल रही है, और तुम्हारे सारे डेली के गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक टीचर ने, दैट वेन यू आर हेडेड ऑन द रोड, ठीक है, तुम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हो तो तुमको लास्ट की जो डेस्टिनेशन है वो नहीं दिख रही होती, बट तुमको उस डेस्टिनेशन पे जाते हुए जो आगे के 200 मीटर होते हैं बस वो दिख रहे होते हैं, बिकॉज तुम्हारी जो हेडलाइट होती है वो आगे के 200 मीटर्स पे लाइट शाइन कर रही होती है। तो तुमको आगे 200 मीटर दिख रहे होते हो, तुम कवर करते 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 अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। तो दोज 200 मीटर्स आर लाइक दोज डेली टारगेट्स दैट यू आर गोइंग टू अचीव थ्रू योर टू डू लिस्ट। वो अपनी मार्क करो और तुमको वो 200 मीटर क्लियर करते 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 तुम अपने एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो मेरा तो यही सिंपल से मेथड है भाई। आई डोंट नो, मुझे तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें है, आई डोंट नो हाउ टू डू, बट सिंपल सिंपल से मेथड्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं लगाता था और लगाता हूँ एग्जाम को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। एंड दिस इज़ वट आई हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, मुझे भी लगे कि हाँ जो बता रहा हूँ कुछ सही लग रहा है, ठीक है। सो बाय।